Good morning, students. Today I'll start a new topic of chapter 10, human respiratory system. Okay? तो इसमें हम लोग जो हम लोगों का respiratory system होता है वो कौन कौन से parts से मिलकर बनता है, कैसे work करता है, आज हम लोग ये discuss करेंगे. तो start करते हैं students. The human respiratory system consists of the following organs: nostrils. ये दिख रहा है आपको, नेजल कैविटी, जिसे नेजल पैसेज भी बोलते हैं, राइट, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली. ठीक है, तो ये एल्वियोली हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया और ये ब्रोंकी हो गया. ठीक है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कुछ इन पार्ट से मिलकर बनता है. ठीक है, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म होती है उसको पढ़ेंगे. ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं. ये तो आप लोगों को पता है कि इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है, मगर ये किस तरीके से होता है, किस किस पार्ट से होके एयर अंदर जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. ठीक है, तो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. राइट, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. आवर नोज हैज टू होल्स विच आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स. तो हम लोगों के नाक में ऐसे दो होल्स होते हैं ना, तो ये होल्स क्या कहलाते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं. ये देखिए, ये पिक्चर में भी बने हुआ है यहाँ पे. ठीक है, देयर इज अ पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल कॉल्ड नेजल कैविटी. तो नॉस्ट्रिल के पीछे ही एक पैसेज होता है जिसे क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज या नेजल कैविटी बोलते हैं. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आर नॉस्ट्रिल्स. व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आर नॉस्ट्रिल्स इनटू नेजल कैविटी. तो हम लोग जब नाक से नोज से अपनी सांस इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो वो नॉस्ट्रिल से होते हुए नेजल कैविटी में जाती है. ठीक है, फ्रॉम द नेजल कैविटी द क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर पासिस इंटू द ट्रैकिया. अब नेजल कैविटी से जो वार्म मतलब थोड़ी सी गर्माहट वाली एयर होती है या मॉइस्ट एयर मतलब नमी होती है उसमें, तो वो कहाँ जाती है, ट्रैकिया और विंड पाइप में. ये देखिए, ये बना हुआ है ना ट्रैकिया, विंड पाइप भी बोलते हैं इसे. ये नेजल कैविटी से होते हुए ट्रैकिया और विंड पाइप में जाती है. राइट, द ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू टू थिनर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकी. तो ये ट्रैकिया आगे जाके दो ट्यूब्स में डिवाइड होता है जिसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम आप लोगों की बुक में बना हुआ है पेज नंबर 87 पे, आप उसको अच्छी तरीके से देख के समझ लेंगे. ठीक है, नाउ सिंगुलर ब्रोंकी तो हो गया प्लूरल. ठीक है, और अगर हम सिंगुलर की बात करें तो उसे बोलेंगे ब्रोंकस विच एंटर द लंग्स, जो कि ये ब्रोंकीज कहाँ जाती हैं, लंग्स में एंटर करती हैं. ये देखिए लंग्स है, ये ब्लैक जो आउटलाइंस दिख रही हैं आपको, ये लंग्स है. ठीक है, इसमें एंटर हो रही हैं ब्रोंकीज. ठीक है, एक एक या तो हम ये कह सकते हैं एक एक ब्रोंकस एंटर हो रहा है इसमें लंग्स में. राइट, आफ्टर एंटरिंग द लंग्स ईच ब्रोंकस डिवाइड्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स. और जैसे ही ये लंग्स में जब डिवीजन हो गया तो ये ब्रोंकस किसमें डिवाइड हो जाते हैं, पतले पतले ब्रोंकस उसमें डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स में, जो कि ये हैं, ये देख रहे हैं पतले पतले स्मॉलर ट्यूब्स, एकदम छोटी छोटी और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं ये ब्रोंकी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं. ठीक है, द ब्रोंकियोल्स हैव टाइनी एयर सैक्स
एट देयर एंड्स कॉल्ड एल्वियोली। और ये ब्रोंकियोल्स के जो एंड है यहाँ पे क्या होता है, ये छोटे छोटे एयर सैक्स लगे होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। और सिंगुलर इसका क्या होता है, एल्वियोलस, एल्वियोली यानी प्लूरल बहुत सारे। और अगर हम एक की बात करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, एल्वियोलस, राइट। ईच लंग कंटेन्स मिलियन ऑफ एल्वियोली, हर लंग में क्या होता है, बहुत मिलियंस में एल्वियोली होते हैं, ठीक है। द वॉल ऑफ एल्वियोली आर वेरी थिन एंड सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज। जो वॉल होती है एल्वियोलीज की वो कैसी होती है, बहुत ही थिन होती है और बहुत ही मतलब जो थिन ब्लड कैपिलरीज की बनी होती है या चारों तरफ से ढकी होती है, ठीक है। द एयर फ्रॉम द ट्रैकिया थ्रू द ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स फाइनली एंटर्स द एल्वियोली। और क्या होता है, जब एयर ट्रैकिया और ब्रोंकी और ब्रोंकियोल से होते हुए फाइनली कहाँ एंटर करती है, एल्वियोली में एंटर करती है। द ऑक्सीजन ऑफ द एयर डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वियोली इनटू द ब्लड कैपिलरी। और जो ऑक्सीजन होती है एयर की वो क्या हो जाती है, डिफ्यूज आउट हो जाती है फ्रॉम द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वियोली, एल्वियोली की थिन वॉल से इनटू ब्लड कैपिलरी में, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है, राइट। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन क्या होती है, हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड के साथ कंबाइन हो जाती है। और क्या फॉर्म करती है, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड इज कैरीड टू ऑल द सेल्स, और ये सारे सेल्स में जाती है, कैरीड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी सेल्स में इस तरीके से ऑक्सीजन जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और इसी तरीके से सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है बॉडी में, कैसे, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, जैसा मैंने आप लोगों को एरोबिक रेस्पिरेशन में बताया था कि जब ऑक्सीजन इनहेल की जाती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, और इसी से हम लोगों को एनर्जी मिलती है ताकि हम लोग काम कर सकें, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट में हो जाता है, एनर्जी हमारी बॉडी के लिए काम में आ जाती है, ठीक, यही तो बताया था। तो इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन, और ये सब किसके उसमें होता है, एरोबिक किसका पार्ट था, एरोबिक रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट था ना, सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो जब इंटरनल रेस्पिरेशन होता है तो उसमें फूड ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नाउ ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोली इन द लंग्स, अब ब्लड क्या करता है कि कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से टू द लंग्स टू द एल्वियोली इन द लंग्स, ठीक है। फ्रॉम द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव, अब लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है विद द एयर वी ब्रीथ आउट, जिससे हम लोग जब ये एयर को हम लोग जो ब्रीथ आउट करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, लंग्स के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है। इन दिस वे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द एल्वियोलस, और इसी तरीके से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, एल्वियोलस में होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो ये क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और ये किस में होता है, एल्वियोलस में होता है।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये चीज अच्छी तरीके से समझी। अब हम लोग इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। जैसे नोज से ऑक्सीजन अंदर गई, ठीक है, एयर, ठीक है, ये नेजल कैविटी से होते हुए लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ जाती है, ब्रोंकी, ब्रोंकियोस और एल्वियोली, ठीक है। तो यहीं पे क्या होता है, ये एयर सैक कहलाते हैं और यहाँ से ही फिर ये लंग्स का पार्ट होते हैं, ब्रोंकी, ब्रोंकियोस और एल्वियोली लंग्स का पार्ट होते हैं। फिर एल्वियोलस से लंग्स के थ्रू होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। ये जो आप एरोस देख रहे हैं इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शंस, मतलब जो हो रहा है वो वापस फिर नहीं से निकलेगा, क्योंकि हम लोग जब सांस लेते हैं तो नाक से सांस लेते हैं, है ना, और जब सांस छोड़ते हैं तो भी हम लोग नाक से सांस छोड़ते हैं, होता है ना यही, है ना। तो ये प्रोसेस हो गया आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी भी है आपके इस चैप्टर में, और एक्टिविटीज तो खैर बहुत सारी हैं, मगर अब हम लोग एक एक्टिविटी भी समझेंगे जिसका टॉपिक है हाउ एयर एंटर्स द लंग, लंग्स में एयर कैसे एंटर करती है, ठीक है। तो ये है एक्टिविटी टू, पेज नंबर 88। इस एक्टिविटी में जो हम लोगों को मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, जो मेथड है, वो सारी चीजें, ठीक है, मैं अभी आपको समझा रही हूं, मगर आप लोगों को इस एक्टिविटी को बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक प्रोजेक्ट टाइप का बनाना सिखाया जा रहा है जिसको आपको बनाना पड़ेगा, और क्योंकि उसके मैं मार्क्स रखूंगी। एक एक्टिविटी वन थी जो कि एसिड बेस की थी, आप लोगों में से किसी भी बच्चे ने मुझे अभी तक नहीं भेजी है, तो उसमें तो मैं जीरो दूंगी। अगर ये एक्टिविटी भी आप लोगों ने नहीं बनाई तो मैं इसमें भी आपको जीरो दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये एक्टिविटी हम लोग कैसे करेंगे और इसको हम लोग कैसे समझेंगे। टू डिमॉन्स्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अब इसमें हम लोग ब्रीदिंग की मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है। इसके लिए जो सामान चाहिए, जो मटेरियल हम लोगों को चाहिए, वो कुछ इस तरीके से है, अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट बॉटल चाहिए होगा, ठीक है, वाई शेप ट्यूब है जो कि प्लास्टिक का भी हो सकता है या ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक ट्यूब, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को चाहिए होगा रबर बलून्स, सम प्लास्टिसिन, अ रबर शीट, अ कॉर्क विथ होल एट सेंटर एंड रबर बैंड। और इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए होगा, या तो हम लोग बलून ले लेंगे या प्लास्टिक शीट ले लेंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से यूज करेंगे ये मैं अभी बताती हूँ। एक कॉर्क लेंगे जिसमें हम लोग होल भी करेंगे, और रबर बैंड चाहिए होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। टेक अ वाइड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल लेंगे और उसको हम लोग हाफ काट लेंगे, तो वो कुछ इस शेप की हो जाएगी, कुछ इसी शेप की हो जाएगी ना जब उसे काट लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इंसर्ट अ कॉर्क विद अ होल इन द माउथ ऑफ द बॉटल, अब हम लोग इसमें कॉर्क फिट कर देंगे, ठीक है। अब कॉर्क फिट करने के बाद हम लोग इसमें पाइप फिट करेंगे, द टू डिफ्लेटेड बलून्स एट द टू फॉर्म्ड एंड्स ऑफ द वाई शेप ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, और इसमें इस तरीके से ये वाई शेप ट्यूब लगाएंगे, ठीक है, ये, और यहां पे ये बलून्स लगा देंगे, ठीक है।
और यहाँ पे ये कॉर्क लग गया। और फिर हम लोग ये जो हम लोगों ने बॉटल को कट किया था, इसके यहाँ पे या तो हम लोग कोई बलून ही लगा देंगे या शीट लगा देंगे, ठीक है, और ये पाइप से अब एयर आ जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, बलून्स लगा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस द ट्यूब फिटेड विद टू डिफ्लेटेड बलून्स, डिफ्लेटेड मतलब बिना फुलाए हुए, ठीक है, फ्रॉम द कट एंड ऑफ द बॉटल एंड पास द ट्यूब थ्रू द होल इन द कैप। और अब क्या करेंगे कि हम लोग इस तरीके से जब यहाँ पे भी एक वो लगा देंगे, शीट लगा देंगे या कोई बलून लगा देंगे, अब हम लोग इसको प्रोसेस देखेंगे कि क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कर दी तो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, नाउ यूज प्लास्टिशन टू सील द कैप एंड मेक इट एयर टाइट। ठीक है, एयर टाइट अभी से कर देंगे। नाउ टाई अ थिन रबर शीट अराउंड द ओपन बेस ऑफ द बॉटल, जैसा मैंने अभी आपको बताया। योर एपरेटस इज रेडी, अब ये एपरेटस पूरी तरीके से रेडी हो गया है। इन दिस एपरेटस द स्पेस इन साइड द बॉटल रिप्रेजेंट्स द चेस्ट कैविटी, द बलून्स रिप्रेजेंट्स द लंग्स, वेयर एज द रबर शीट रिप्रेजेंट्स द डायफ्राम। जैसा मैंने आपको यहाँ पे ये है कि ये नीचे डायफ्राम भी होता है, ठीक है, और अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये चीज कितनी सिमिलर हो गई है। ये आपका हो गया विंड पाइप हो गया, ऐसा रिप्रेजेंट करता है ये एपरेटस, विंड पाइप हो गया। ठीक है, ये क्या हो गए, यहाँ पे क्या था, ये ब्रोंकी हो गए, ठीक है, और ये जो पोर्शन है डिफ्लेटेड बलून्स का वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डिफ्लेटेड बलून्स, ये क्या शो कर रहा है, लंग्स, ठीक है, लंग्स हो गए, और ये चेस्ट कैविटी हो गई। ठीक है, वेयर एज द लंग, वेयर एज द रबर शीट रिप्रेस, और ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायफ्राम रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। व्हेन यू पुल द रबर शीट डाउनवर्ड्स द स्पेस इनसाइड द बॉटल इंक्रीजेस, देयरफॉर द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल डिक्रीजेस, द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इन थ्रू द वाई शेप्ड ट्यूब्स इनटू बलून्स ड्यू टू व्हिच द बलून्स गेट इन्फ्लेटेड। ओके, दिस इज हाउ यू इनहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब हम लोग इसको शीट को खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एयर एंटर करेगी और ये जो बलून्स हैं जो कि डिफ्लेटेड हैं वो अपनी साइज में इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब वो उनमें जाएगी ये वाइड शेप जो ट्यूब है उसके थ्रू इसमें एयर जाएगी और ये बलून्स फूलेंगे। ठीक है, इस ये प्रोसेस वैसे ही होता है जब आप इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के समय। ठीक है, व्हेन यू पुश द रबर शीट अप द स्पेस इनसाइड द बॉटल डिक्रीजेस, देयरफॉर द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इंक्रीजेस, दिस पुशेस आउट द एयर इनसाइड द बलून्स थ्रू द ट्यूब ड्यू टू विच द बलून्स गेट डिफ्लेटेड, दिस इज हाउ एक्सहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। और जब हम लोग इस शीट को छोड़ेंगे यानी कि जो डायफ्राम है उसको जब छोड़ेंगे तो वापस से बाहर हवा चली जाएगी और ये बलून्स फिर से इन्फ्लेटेड हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस कब होता है, जब हम लोग ब्रीदिंग में एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो हमारा इस
एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या निकला? द एक्शन ऑफ रबर शीट इन दिस एक्टिविटी शो हाउ वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग विद द हेल्प ऑफ द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम इन आवर बॉडी. When the diaphragm moves downward during inhalation, the lungs were filled with air. However, when the diaphragm moves upward during exhalation, then the air goes out of the lungs. तो इसका conclusion ये निकला कि जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है और हमारे जो लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं, और इसी तरीके से जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है और लंग्स उचक जाते हैं और एक्सहेल हो जाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है. तो ये जो प्रोजेक्ट बना हमारा, मतलब एपरेटस हम लोगों ने बनाया, ये एक्चुअली इसकी मैकेनिज्म को, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैकेनिज्म को शो कर रहा है. एंड आई एम 101% श्योर कि आप सभी इस एपरेटस को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. लास्ट ईयर मैंने बनवाए थे अपने क्लास में और बच्चों ने बहुत ज्यादा, मतलब इंटरेस्ट के साथ ही बनाया था, और फ्रेंकली स्पीकिंग इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो प्लीज आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, और ये जब आप बनाएंगे तो आप लोगों को प्रोसीजर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्टिविटी में, इस एपरेटस को बनाने में कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं.